पूछना चाहूंगा तो पता चला टैक्सी वाला ही नहीं मिला, मैं उधर देखा बोर्ड में बैठी और चलो अगले होटल में, जहां कुछ भी पैदा नहीं होता, सिर्फ आइलैंड्स हैं, 1200 आइलैंड्स हैं जिसमें से अभी 200 आइलैंड काम कर रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से वहां के लोगों को ने उस क्षेत्र को एक नई पहचान दी है। पानी के लिए भी आप समझिए वो भारत जैसे देश या पड़ोसी देशों पर निर्भर है। उस देश ने पर्यटन के माध्यम से कितनी ऊंचाइयां प्राप्त की है वास्तव में हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। सिंगापुर की स्थिति भी लगभग वैसी है, मात्र 5.5 लाख लोगों का, 54 लाख लोगों का देश है, 5 मिलियन लोगों का देश है, और हमारे देश में मात्र हम 70 लाख पर्यटक एक साल में ला पाते हैं। उनका एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड, प्राकृतिक नहीं, सेंटोसा आइलैंड में 2 करोड़ पर्यटक एक साल में जाते हैं, अपनी जनसंख्या से दुगने टूरिस्ट वहां हर साल जाते हैं। बहुत बड़ी मिसाल है अपने आप में। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना है कि वो छोटी चीजों से बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे इस फिल्मों के माध्यम से जो छोटा सा हमने संदेश देने का प्रयास किया है कि भारत की हमारी एक स्ट्रेंथ है, हमारी मेजबानी, लोग कायल हैं हमारी इस मेजबानी के, और उस मेजबानी के जो छोटे छोटे तरीके से दिखाया गया है, उस मेजबानी को हम अपनी ताकत को पहचान कर पर्यटन को एक नई पहचान दें, यह हमारा प्रयास है इन फिल्मों के माध्यम से।